भूतड़ी अमावस्या पर नीमोमर के नर्मदा तट पर नहीं लगेगा भूतों का मेला घाट पर स्नान और मंदिर में दर्शन भी नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने लिया निर्णय। भूतड़ी अमावस्या की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम संतोष तिवारी की अध्यक्षता में नीमोमर के डाक बंगला परिसर में बैठक हुई। इस दौरान 16 व 17 सितंबर को भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा स्नान एवं मंदिरों में दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार पितृमोक्ष भूतड़ी अमावस्या पर नीमोमर की नर्मदा तट पर भूतों का मेला नहीं लगेगा। एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमक महामारी को देखते हुए आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी की सहमति सर्वोपरि रही। बैठक में तहसीलदार राधा महंत, थाना प्रभारी नीता देहरबाल, सीएमओ खातेगांव आनंदीलाल वर्मा, सीएमओ नीमोमर हरिओम कोचले, नायब तहसीलदार नागेश्वर पनिका एवं वरिष्ठ नागरिकगण, सभी राजनीतिक दलों के नेता एवं मीडिया कर्मी मौजूद थे। जैसा कि आप सबको विदित है, हर साल सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भूतड़ी अमावस्या का यहाँ पे मेला लगता है और उसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार जो स्थितियाँ हैं और जैसे कि सरकार के निर्देश हैं, इस बार सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि कोई मेला नहीं लगेगा और सभी घाटों पर स्नान प्रतिबंधित रहेंगे, मंदिर में दर्शन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसी में सभी की सुरक्षा है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं और आप सभी जितने भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, उन्होंने सबने यही सुझाव दिया है कि इस बार इस मेले में स्नान और दर्शन से प्रतिबंधित रखे जाएं। तो आप सबकी मंशा के अनुसार ये निर्णय लिया है कि स्नान दर्शन सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। 16 और 17 को कोई भी व्यक्ति किसी भी घाट पर दर्शन के लिए, स्नान के लिए या मंदिर के दर्शन के लिए नहीं आएगा, ऐसा सभी को प्रचारित करने हेतु आप सभी से अपेक्षा है। बुलाकर मीटिंग रखी हुई थी, वरिष्ठ गणों को बुलाया, क्या था? अधिकारियों यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्रीय एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया गया कि कोरोना की बढ़ती हुई गति को देखते हुए सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए, जिससे क्षेत्र एवं गांव पूरी तरह सुरक्षित रहें और मंदिर दर्शन पूर्णतः बंद रहेगा। स्नान के लिए मेलघाट से लेकर बागदी संगम तक पूरा एरिया सील किया जाकर बंद किया जाएगा।